सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो क्या सब सभी लोग, तो भाई काफी दिनों से इस चैनल के ऊपर ऑफलाइन गेम के ऊपर बात नहीं हुआ और मेरे को इन्हीं दिनों में काफी सारे न्यूली लॉन्च गेम मिल गया है जो कि कम्प्लीटली ऑफलाइन गेम है जिसका ग्राफिक्स कमाल की होने वाला है। इनफैक्ट दोस्तों, इस वीडियो में जो भी गेम्स को मैंने सिलेक्ट किया है सारे के सारे गेम के बारे में शायद किसने बताया होगा। सो इसलिए वीडियो को फर्स्ट से एंड तक देखो, नहीं तो आप एक बेस्ट गेम को जरूर मिस करोगे और सभी गेम्स को डिस्क्रिप्शन लिंक से इजीली डाउनलोड कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। हमारे लिस्ट पे नंबर 5th रैंक पर है ये स्ट्रैक आईडी। एक्चुअली इस गेम को थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया गया है जहाँ पे पहले आपको एक गांव इलाका देखने को मिलता है तो इस गेम में सिर्फ 2 ही ट्रक अवेलेबल है जिसको आप कस्टमाइज करना डिफरेंट डिफरेंट ट्रेलर को साथ में अटैच करके मिशन खेलना पड़ता है। तो इस गेम में मिशन की बात करें तो आपको पैडी पोटैटो एप्पल्स वुड और भी काफी सारे खाने का चीज को लेके एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ड्राइविंग करते टाइम आपको कम्प्लीटली जीपीएस लोकेशन फॉलो करना पड़ेगा। गाइस आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग बात बोलूं कि इस गेम में आप रियल विलेज एरिया में ऑफ रोड ड्राइविंग कर सकते हैं। इनफैक्ट एक और बात की यहाँ पे आप रिवर के ऊपर से ट्रू वुड के ऊपर से ट्रक को ड्राइविंग करके लेके जाना पड़ता है जो कि होने वाला है काफी ज्यादा चैलेंजिंग। साथ ही साथ गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी काफी रियलिस्टिक लगता है और गेमिंग साउंड जस्ट ओपी होने वाला है क्योंकि भाई पक्षियों का साउंड, ट्रक का साउंड, ये सब कुछ मिला के गेम को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है खेलने में। तो भाई अगर आपके पास मियो 2GB रैम का डिवाइस है तो इस गेम को ट्राई कर सकते हो। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट गेम में। तो भाई हमारे लिस्ट पे नंबर 4th रैंक पर है ग्राउ ई कॉर्टे ब्राजील, एक ऑफलाइन गेम है। तो भाई इस गेम के बारे में बोले तो इस गेम में तगड़ी क्वालिटी ग्राफिक्स के साथ एक लार्ज ओपन वर्ल्ड विलेज एरिया में आप बन सकते हो एक डिलीवरी बॉय जहाँ पे आपको फार्मासी से मेडिसिन या फिर मैकडोनल्ड से बर्गर को पिकअप करके कस्टमर लोकेशन पे लेके जाना पड़ता है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस गेम में रेसिंग भी कर सकते हो जहाँ पे आपको चेक पॉइंट से ड्राइविंग करके जाना होता है। ये सभी मिशन खेल के आप काफी सारे बाइक लाइक रॉयल एनफील्ड, होंडा अपाची, यामा गाड़ी को भी इजिली अनलॉक कर सकते हो। और मेरे को तो भाई इस गेम का एनवायरनमेंट काफी बढ़िया लगा है और भाई जब आप मिट्टी के रास्ते से ऊपर से जाओगे ना क्या कमल का वाइब्स देता है। तब गेम की ग्राफिक्स की बात करें, ग्राफिक्स एंड विजुअल्स काफी ज्यादा रियलिस्टिक फील प्रोवाइड करता है। तो भाई अगर आपको कुछ नया गेम एक्सपीरियंस करना है जिसमें इंटरेस्टिंग मिशंस के साथ ऑफ रोड ड्राइविंग, होंडा अपाची बाइक ड्राइविंग एंजॉय करना है तो ये गेम आपके लिए बेस्ट होने वाला है। सो इसी के साथ बात करता अगले एक और इंटरेस्टिंग गेम के बारे में। तो दोस्तों हमारे लिस्ट पे नंबर 3rd रैंक पर है ड्राइव सिमुलेटर 2020। गेम पूरी तरह से ऑफलाइन रहेगा, बेसिकली एक कंस्ट्रक्शन सिमुलेटर टाइप गेम है। लेकिन वेट, इस वाले गेम में एक लार्ज ओपन वर्ल्ड सिटी देख पाओगे जहाँ पे आपको कंप्लीट करना पड़ता है काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट मिशन जो कि कंप्लीटली होने वाला है काफी ज्यादा चैलेंजिंग। सिर्फ इतना नहीं, कोई भी व्हीकल को ड्राइविंग करते टाइम आप लेफ्ट एंड राइट साइड में भी देख सकते हो। साथ ही साथ काफी सारे ट्रक जैसे भी क्रेन, बुलडोजर बिसाइड और भी कई तरह के व्हीकल। बाय द वे गाइस, इस गेम में रोड में रियलिस्टिक ट्रैफिक एंड साथ में ट्रैफिक लाइट भी देखने को मिलता है। बिसाइड आप बड़ा बड़ा हेवी टायर को ट्रक में लेके अब मैप लोकेशन फॉलो करके डिलीवरी करना पड़ता है। पर्सनली मेरे को इस गेम में फर्स्ट पर्सन मोड में ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफी जबरदस्त लगा है और ग्राफिक्स क्वालिटी डिसेंट क्वालिटी के साथ देखने को मिल जाता है। तो भाई अगर आपको एक बेस्ट गेम चाहिए जिसमें काफी सारे ट्रक कंप्लीट करना, अलग अलग व्हीकल्स को ड्राइविंग करना और अगर आपके पास मिनिमम 2GB रैम का डिवाइस है तो इस गेम को ट्राई करना तो बनता है बॉस। तो इसी के साथ बात करते हैं अगले एक और इंटरेस्टिंग गेम के बारे में। तो फ्रेंड्स हमारे लिस्ट पे नंबर 2nd रैंक पर है फार्मिंग सिम ब्राजील। दोस्तों अगर आप फार्मिंग सिमुलेटर गेम का फैन हो तो ये गेम आपके लिए है क्योंकि भाई इस गेम में एक काफी बड़ा विलेज एरिया में आप बन सकते हो एक फार्मर। बेसिकली एक ब्राजीलियन गेम है तो इसलिए इस गेम का विलेज एरिया थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड रहता है। तो पहले इस गेम में आप ट्रैक्टर को लेके काफी सारे मिशन कर सकते हो जहाँ पे रियलिस्टिक गाँव इलाके ऊपर खेती करना, फसलन को ब्रीडिंग करना, दिन कटिंग करके मार्केट के जाके सेल भी कर सकते हो। सिर्फ इतना नहीं, मैप के ऊपर पार्टिकुलर लोकेशन में जाके आप कोई भी मिशन चूज भी कर पाओगे। गेम को खेलते टाइम अलग अलग कैमरा एंगल के साथ गेम को खेलना और भाई फर्स्ट पर्सन व्यू में आपको ऐसा फील आएगा कि आप रियल फार्मिंग व्हीकल को ड्राइव कर रहे हो। और रही बात गेम की ग्राफिक्स, तो ग्राफिक्स क्वालिटी कमाल की एक्सपीरियंस देता है। साथ ही साथ इस गेम में आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हो। और एक इंटरेस्टिंग बात की कोई भी सामान को लेके जाने के टाइम आपको पिकअप ट्रक इस्तेमाल करना पड़ता है जो काफी मजेदार लगता है इस गेम को खेलते टाइम। इस वाले गेम के अंदर फार्मिंग सिमुलेटर के ऊपर बहुत सारे व्हीकल्स मौजूद है जिसको ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा ब्रदर। गाइस आपके लिए एक मजेदार बात बोलूं कि इस गेम में विलेज एरिया में आप ऑफ रोड ड्राइविंग भी कर पाओगे। और एक बात की इस गेम का एनवायरनमेंट साउंड माइंड ब्लोइंग है गाइस, तो खेलो डेफिनेटली पसंद आएगा। इसी के साथ बात करते हैं अगले गेम की तरफ। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं हमारे लिस्ट पे नंबर 1 तगड़े वाला गेम में और वो गेम है स्टील टाइटन 3। आई नो इस गेम के बारे में शायद कोई इससे पहले नहीं बताया होगा। बेसिकली एक ट्रक सिमुलेटर गेम है जहाँ पे आपको सामान को एक जगह से दूसरे सिटी में लेके जाना होता है।
तब इस गेम के मिशन की बात करें, इसमें आपको काफी सारे मिशन लाइक कंटेनर, वुड पैडी और भी अलग अलग कंटेनर को डिलीवरी देना पड़ता है। कमल की बात तो ये है कि इस गेम में एक मिशन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट मिशन को अलग होता है। और गाइस इस गेम में जो ट्रक्स अवेलेबल है सारे के सारे ओरिजिनल ब्रांड का ट्रक यूरो ट्रक्स मोटो 2 गेम में देखने को मिल जाते हैं, जैसे की स्कैनिया, इवको, मैन, वोल्वो, मर्सिडीज बेंज एंड डैब ब्रांड का ट्रक। इस गेम का मैप को इतना ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है, जस्ट सुपर्ब लगा है। इसमें टोटल 17 प्लस ट्रक अवेलेबल है और मिशन खेलते टाइम जीपीएस लोकेशन फॉलो करना, अलग अलग कैमरा एंगल के साथ ट्रक व्यू एंड केबिन व्यू काफी जबरदस्त होने वाला है। और भाई ग्राफिक्स को लेके कोई भी कॉम्प्लेन नहीं है, ये काफी शानदार गेम है। तो अगर आपके पास मिनिमम 3 से 4 GB रैम का डिवाइस है तो इस गेम को स्मूथली एंजॉय कर पाओगे। सो गाइस वीडियो बस इतना ही, कौन सा गेम आपको पसंद है प्लीज कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। तो फिर मिलता है अगले और इंटरेस्टिंग वीडियो में।